हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी पबजी लाइट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक और अपना ज़ोरदार गेम प्ले दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 16 किल्स किए हैं और इसमें मुझे बॉट्स भी मिले कुछ। मैं यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना पहला किल निकाला। ये अपने मैप में तो मुझे इसका कुछ नाम नहीं कर दिया। मैंने यहाँ दो बंदे को एक साथ उतरते ही साथ जैसे ही मैंने उतरा, मैंने पहले ही देख लिया था कि सामने घर में ही दोनों उतरे। मैंने इजीली दोनों को खिला दिया। उसके बाद मैं इसके पास मुझे M9 मिली। मैंने इस पूरे गेम प्ले में सिर्फ दो ही गन्स का यूज़ किया था, एक AWM और दूसरा M9। मैंने और कोई गन यूज़ नहीं किया, बॉट है। फ्रेंड्स, मुझे फील नहीं लगता कि बॉट्स है, एक हमारे लिए बोनस ऑप्शन होता है जिसमें आप इजीली एक किल में आपको मिल जाती है। फिर यहाँ से मैं सीधा ड्रॉप लूटने जाते हैं। ड्रॉप लूटते जैसे ही आते हैं तो मुझे एक और बॉट मिल जाता है, उसे इजीली खिला देते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि कोई बॉट है, कोई बंदर है पर समीर नाम का, बट क्या पता ये एकदम फायर नहीं कर रहा। मुझे देख के फिर मैं यहाँ ड्रॉप लूटने जाते रहता हूँ। तभी मुझे एक बंदे दिख जाते जो मुझे पर फायर करने लगता है। जैसे उसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देता है, जो फायर करता है। लेकिन मैं डायरेक्ट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ। देखते हैं एक बगल से गुजरा, मैं तुरंत गाड़ी घुमाता हूँ, उसके उसके ऊपर ही चढ़ा देता हूँ। गाड़ी चढ़ा देते हैं। यहाँ पर मुझे मतलब मज़ा लेता हूँ। मैं जान बुझके उसको मतलब किल नहीं करता। अपने AWM में मेरे पास स्कोप तो नहीं होती, तो मैं जान बुझके सही एकदम जूम करके एकदम जान बुझके मज़ा लेने के लिए सामने से एकदम उसको फटे से एकदम हेडशॉट दे देते हैं, तो उसकी किल हो जाती है। फिर मैं उसे लूटने के बाद सीधा स्टेडियम की तरफ जाता रहता हूँ। तभी मुझे अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा बंदों की फायरिंग के साउंड आते हैं, तो मैं सोचता हूँ सीधा चलते सीधा अपार्टमेंट में बंदे खिलाने। तो सीधा अपार्टमेंट पर स्पीडली भागता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग का साउंड आ रहा होता है। तो मैं सीधा अपार्टमेंट जाता हूँ। अपार्टमेंट में जाते ही मैं देखता हूँ कि कुछ बंदे की फाइट चल रही होती है घर के अंदर और बाहर भी अपार्टमेंट के अंदर। उन्हें एक बंदे को पहले खिला देते हैं, वो खुद में फाइट कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं नहीं भी यहाँ एक बंदे मुझे बाहर नहीं देखते हैं, पता नहीं कि खिला चुका होता हूँ। फिर दोनों को मारने के बाद मैं इसी चीज़ से नॉक किया तो इसे भी खिला देते हैं ताकि मैं उनकी क्लियर कर सकूँ। और फिर मैं इन दोनों को ईजिली फिर लूट लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे M416 भी मिलती है, बट फिर मेरा मूड हो जाता है कि आज M9 से खेला जा रहा है। मैं यहाँ बाहर जाकर देखते तो एक बंदा किसी ने मार्क किया होता है, तो मैं इसे भी अपनी मार्क के अपनी किल क्लियर कर लेता हूँ। कम से कम नॉक बंदा है भैया, आप किल कौन छोड़ रहा है उसको, सामने नहीं पता कौन छत से फायरिंग कर रहा होता है, तो उसे भी किल कर दो। बाद में वो बंदा नीचे उतर जाता है, मैं उसे देखता हूँ बट मुझे दिखता नहीं। तो बाद में वो बंदे नीचे जंप कर जाता है, तो मुझे ईयरफोन से रहा तो मुझे पता चल जाता कि जंप कर गया। तो यहाँ दिखता मुझे बंदे तुरंत उसके ऊपर फायर करके उसे भी खिला देते हैं। बाद में स्टेडियम की ओर जाते हैं, रेड जोन की ओर जाते हैं। तो मैं एक दिन एक बंदे को खिला कर तो मुझे देख लेता है, तो मेरे ऊपर भी फायरिंग करता है। मैं उसे उसे भी खिला देते हैं, मुझे बहुत ईजी खिला देता हूँ बंदे को। जब मैं देखता हूँ कि स्टेडियम के पास से मुझे फायरिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, चलो चलते हैं। मुझे एक बॉट यहाँ पर ये मुझे देखने का भी इतना स्लो कि मतलब फायरिंग कर दे कि कोई लिमिट नहीं। पहले मुझे लगता कि रियल प्लेयर है, मैं थोड़ा डर के चलता हूँ, बट बाद में जब मैं देखते थे बॉट ही रहते हैं। ये देखिए तो उसमें ईजिली इसको हेड शॉट देखते हैं, इसलिए मैं जान देखते इसको ईजिली किल करता हूँ, पक्के से नहीं मारता। फिर ये देखिए मैं ईजिली अब हेड शॉट मारता हूँ, उसके बाद अपना किल क्लियर कर लेता हूँ जाके M9 से। बाद में इसको खोल के फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये किल भी मेरी क्लियर हो जाती है। उसके सामने एक बंदा मुझे मालूम रहता है कि स्टेडियम के अंदर गया है, फायरिंग की साउंड भी आ ही रही है स्टेडियम के अंदर से। तो मैं पहले सोचता इसे पहले लूट होगा कि इसके पास कुछ मुझे लूट नहीं मिलती। तो फिर मैं स्टेडियम के अंदर भी कुछ कोई खास नहीं था, बट यहाँ पर स्टेडियम के पास जो डिपार्टमेंट है वहाँ पास मैं जब जूम कर देखती हूँ, मुझे बंदे मिले जो दो दिन फायर करते हैं। तो फिर मैं बात कर रहा था
बट फ्रेंड्स जो बंदर है अपार्टमेंट में वो इसे इजीली किल कर लेता है और मेरी किल चुरा लेता है। हालांकि हेडशॉट मैंने किया था बट वो किल क्लियर कर लेता है, वो बाहर भी नहीं निकलता। मैंने पहले सोचा कि मैं उसे मार दूंगा बट वो पहले ही किल क्लियर कर लेता है, शॉट आने के बाद ही वो किल उड़ा ले जाता है। शायद वो बाहर है बट वो बंदर नहीं आता। स्टेडियम में ये ड्रॉप भी नहीं करता फ्रेंड्स, ड्रॉप भी होता है, ड्रॉप ऐसी जगह भी घंटे भी उठा नहीं सकता। सामने देखते एक बंदर फायर कर रहा है, मैं उसे भी एक हेडशॉट देता हूँ तो किसी दूसरे बंदे को मार देता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि सामने एक और बंदा होगा जो उसे लूटने जरूर आएगा और आस पास होगा। तभी मैं जैसे जाता हूँ तो बंदर भी देख लेता हूँ, मैं पहले देख चुका हूँ इसलिए उसे ईजिली किल कर लेता हूँ और उसे हेडशॉट दे देता हूँ। वो भी नाक हो जाता है बंदा, फिर इजी इजी किल कर देता हूँ। फिर जोन और छोटा होने लगता है फ्रेंड्स, जो मैं देखता हूँ कि आसपास कोई बंदे तो नहीं है, मैं बाहर ढूंढता हूँ मुझे कोई बाहर बंद। तभी सामने से एक बंदे देखते जो आपको भी स्टेडियम के अंदर घूमना वो मारता है, जो अंदर घूम जाता है मैं तुरंत जंप कर देता हूँ। मुझे मालूम रहता है कि घूम भी रहा है, तो नहीं पता सामने खड़े हेल्थ किट यूज़ कर रहा था कि क्या कर रहा था, मैं उसे इजीली खिला देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता, मैं दोबारा टेरिफाइड कर देता हूँ। फिर ये जो दो बंदे बच्चे रहते हैं वो मुझे सामने छुपे हुए दिखते, एक बंदा मुझे देख लेता है फायर करके बट मैं उसे पहले फायर करके नॉक कर देता हूँ। दूसरा बंदा भी वहीं छुपा होता है, मुझे पता नहीं था। उसके बाद में जब मैं ध्यान से देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि दूसरा बंदा भी वहीं पास में ही लेटा हुआ है। जब मैं उसे दौड़ते हुए देखता हूँ तब मुझे पता चलता है तो पहले वो फायर बट मेरे पीछे हो जाने के कारण मैं उसे वो मतलब मैं जान जाती हूँ कि बंदा अंदर आएगा नहीं, ऊपर आने का उसके पास समय नहीं है, वहीं से पिक करके देखता है। बट जैसे ही पिक करता है मैं हेडशॉट ले लेता हूँ वहीं पास उसके किनारे से देखता हूँ। मैं जैसे ही ले लेता फिर इजली चिकन भी मिल जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स इस वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।